आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर लिया है। वहीं इसी बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विपक्षी पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति और चंद्रशेखर राव के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की हैं। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बीआरएस को हराकर उसका नामो निशान मिटा देगी। दरअसल तेलंगाना एनआरआई कम्युनिटी की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे रेवंत रेड्डी ने अपनी विपक्षी पार्टी को लेकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीआरएस कह रही है कि उनका शेर केसीआर यानी चंद्रशेखर राव अभी आराम कर रहा है, हम भी शिकारी हैं और जाल लेकर तैयार बैठे हैं। बीआरएस के लिए हम 100 मीटर गहरी कब्र खोदकर उनका नामो निशान मिटा देंगे। साथ ही रेड्डी ने जानकारी दी कि वे 26 जनवरी के बाद इंद्रवेली से पूरे राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केसीआर पर बीआरएस नेताओं ने टिप्पणी की थी कि लोकसभा चुनाव के लिए टाइगर तैयार है और वो जल्द ही बाहर आएगा। इसी का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने सभा में कहा कि वे भी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए जाल भी बिछा लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।